हाय गाइस, मैं पूनम अपने चैनल पूनम्स किचन एंड ब्लॉग्स में आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं बनाने जा रही हूँ गोंद और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, जो सर्दियों में बहुत ही फ़ायदेमंद रहते हैं। और सुबह ही अगर हम एक लड्डू खा लें तो हमें दिन भर उससे बहुत ही अच्छा लगता है। तो आइए चलिए बनाते हैं ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। तो गाइस, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन गर्म होने के लिए रख देंगे गैस पर। गाइस, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाने के लिए ये गोंद लिया है। तो ये 50 ग्राम गोंद है और ये बादाम है, ये भी 50 ग्राम है, और काजू, एक कटोरी मखाने ले लिए हैं हमने, और थोड़ी सी खरबूजे की मींग है, और ये कद्दूकस करके हमने नारियल ले लिया है। तो हमारा पैन गरम हो गया है तो इसमें हम घी डाल देंगे। और सबसे पहले हम गोंद को इसमें फ्राई करेंगे। तो देखिए, घी गरम हो गया है और इसमें हम इसे डालकर भूनेंगे। थोड़ा थोड़ा डालेंगे। तो देखिए, भूनते हुए ये इस तरह से सफ़ेद होने लगा है। थोड़ा थोड़ा डालकर भूनेंगे ताकि ये ठीक से फूल जाए अच्छे से इसमें। और इस तरह से अलट पलट के इसको हम अच्छे से भून लेंगे। और इसको प्लेट में निकाल लेंगे। फिर थोड़ा सा गोंद इसी तरह से डालेंगे। फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे, ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे क्योंकि ये जल सकता है और जले हुए का फिर टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो इस तरह से इसे अलटते पलटते हुए भून लेंगे। ये इस तरह से पलट देंगे ताकि नीचे से भी अच्छे से सीख जाए। गोंद बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और ताकतवर भी बहुत होता है। और शरीर में कहीं भी दर्द हो उसे कम भी करता है। तो सर्दियों में अगर हम गोंद के लड्डू बना कर रखें तो बहुत ही फ़ायदेमंद रहते हैं और ये गर्म भी होता है। तो ये जो हमारा बाकी का गोंद बचा था उसको भी हम इसमें फ्राई कर लेंगे। तो ये हमारा गोंद फ्राई हो गया है और इसको हम निकाल लेंगे। अब इस तरह से पलट के हम इसे सेक लेंगे ताकि अगर कहीं से ये कच्चा रह गया हो तो ठीक से सीख जाए। और इसको निकाल लेंगे, नहीं तो इसका कलर चेंज हो जाएगा फिर, तो इसमें खाने में इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। और अब हम इसमें ये बादाम फ्राई करेंगे। बादाम को हमें ज़्यादा देर नहीं भूनना है, हल्का सा ही भूनना है, इससे टेस्ट अच्छा आता है इसको भूनने से। और अब हम इसमें ज़्यादा घी भी नहीं डालेंगे। घी इसमें जो बचा हुआ है इसी में हम इन चीज़ों को सबको फ्राई कर लेंगे।
तो ये हमारे बादाम का कलर चेंज होने लगा है, उसको भी हम निकाल लेंगे। और अब हम इसमें काजू भून लेंगे। ये लड्डू बनाने के लिए हमें देसी घी ही इस्तेमाल करना चाहिए, उससे इसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है और खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे हम चाहें तो किसी भी ऑयल में भी इसे बना सकते हैं। और अब हम इसमें भूनेंगे मखाने। मखानों को हम थोड़ा देर तक भूनेंगे जिससे ये करारे हो जाएं अच्छे से, और हाथ से दबाने से एकदम से टूटने लगें। तो गाइस ये हमारे मखाने भी भून गए हैं, तो इनको भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। और अब हम ये थोड़ी सी किशमिश ली हैं, तो इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा घी डाल देंगे, हल्का सा, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और इसको भी भून लेंगे। इन चीज़ों को हमें पीसना है हल्का दरदरा, तो इन्हें हम अलग रख लेते हैं। और ये किशमिश को हम ऐसे ही डालेंगे, इसको हम ऐसे ही निकाल लेंगे। तो हम ये सारी चीज़ें भूनकर परात में इकट्ठा कर लेंगे। और ये लिए हमने खरबूजे की मीम, तो इसको भी भून लेंगे। तो ये हमारी मीन चटकने लगी है और इसमें आवाज आ रही है, और ये भून गई है, तो इनको भी हम निकाल लेंगे। अब ये नारियल, इसको भी हम हल्का सा भून लेंगे इसमें। इसमें घी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें अपने आप ही ऑयल होता है। और इसको भी हल्का सा भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। और इसको भी हम निकाल लेंगे इस तरह से। और अब हमने ये 2 कटोरी आटा लिया है, तो इसको भी हम भून लेते हैं। तो गाइस हम पैन में थोड़ा सा घी डालेंगे, तो ये हमने 2 चम्मच घी ले लिया है इसमें। और ये हमने जो 2 कटोरी आटा लिया है, इसको भी इसमें डाल लेंगे। और इसको हम इस तरह से हल्का हल्का चलाएंगे, तो इसको भी हम भून लेंगे। इसको हम लगातार चलाते रहेंगे हल्का हल्का, और ये जो है भून के तैयार हो जाएगा, इसमें खुशबू आने लगेगी और हल्का सा इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो गाइस देखिए ये आटा हमारा भुन रहा है और इसका कलर भी चेंज होने लगा है और हल्की हल्की खुशबू भी आ रही है। तो इसे थोड़ा सा और भूनेंगे, और अब थोड़ा सा हम इसे फ्लेम को कम कर लेंगे और इसे इस तरह से चलाएंगे।
सर्दियों में हम ये लड्डू बना के रख लें और बच्चों को रोज़ दें तो ठंड का असर भी नहीं होता है बच्चों को और ताकतवर भी होते हैं। तो ये आटा हमारा भुन गया है और इसमें खुशबू भी आने लगी है, थोड़ा सा कलर हो इसका डार्क हो जाए थोड़ा सा तब निकालते हैं इसको। तो गाइस ये आटा भी हमारा भुन के तैयार हो गया है तो इसको हम परात में निकाल लेंगे। और जो ये ड्राई फ्रूट्स हमने भुने हैं इसमें हमने बादाम, काजू और मखाना इनको हम दरदरा मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे और गोंद को हम इस तरह से हाथ से दबा कर थोड़ा सा छोटा छोटा कर देंगे। तो इसको हम कर लेते हैं। तो गाइस हमने जो ड्राई फ्रूट्स भून के तैयार किए थे उनको हमने थोड़ा सा दरदरा पीस लिया है और इसी में हमने गोंद भी पीस लिया है। और अब हम थोड़ी सी चीनी की चाशनी बनाएंगे लड्डू बनाने के लिए। तो ये हमने एक कटोरी चीनी ली है और इसमें हम बहुत थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है हमें। और ज़्यादा हमें चाशनी भी तार की नहीं बनानी है, केवल ये चीनी हमारी मेल्ट हो जाए और हल्का सा चिपकने लगे। तो चीनी को हम इस तरह से पकाएंगे और पानी हमने बहुत थोड़ा सा डाला है, 4-5 चम्मच के बराबर। देखिए गाइस ये हमारी चीनी मेल्ट हो रही है, अभी हल्का सा पकाएंगे और, क्योंकि इसमें थोड़ा दाना सा है। इसे हमें ज़्यादा देर नहीं पकाना है, बस चीनी को मेल्ट ही करना है। गाइस हमारी चीनी मेल्ट हो गई है, फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको हम अपने इस मिश्रण में डाल लेंगे जो हमने ड्राई फ्रूट्स और आटा ये सभी इकट्ठा किया था भून कर। तो इसमें हमने ये चीनी डाल ली है और इसे थोड़ा सा हम ठंडा होने देंगे। पहले हम इसी से चलाते हैं कलछी से ही से, क्योंकि हाथ लगाएंगे तो फिर हमारा हाथ जलने भी। तो हम इसे 5 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। तो गाइस ये हमारा मिश्रण अब ठंडा हो गया है तो इसको हमने इस तरह से मिला लिया है जो हमने चीनी की चाशनी में बनाई थी और ये इसमें आटा और ड्राई फ्रूट्स हैं और गोंद है, तो इन्हें सबको हमने मिला लिया अच्छे से और अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो इसको हम इस तरह से ठीक से मिला लेंगे। और ये थोड़ा सा लेकर इस तरह से हम इसके लड्डू बना लेंगे। तो देखिए गाइस ये हमारे लड्डू बन रहे हैं और इन्हें हम इसी तरह से सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे।
तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा ये मिश्रण लेंगे हाथ में और उसके लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। इस तरह से गाइस हमारे लड्डू बनकर तैयार हैं और आप इन्हें ट्राई कीजिए। और रेसिपी से संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जिस किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अब हम मिलते हैं अगली कुकिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।